हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताऊंगी। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके बारे में पहले मैंने एक लेक्चर में, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, फ्लो शीट के बारे में बताया था। फ्लो शीट ऑफ WTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे रॉ सीवेज आपकी इस ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर करती है और फिर फाइनली सारे जितने भी प्रोसेसेस है होने के बाद उसको रिवर में डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इसमें जो भी आपके प्रोसेस थे या जो भी यूनिट हमने यूज की थी, उनको मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था और एक्सप्लेन भी किया था कि किस यूनिट में कौन सी चीज रिमूव होती है सीवेज में से। ठीक है, तो हमने उसमें जो नाम दिए थे ट्रीटमेंट को, वो प्रिलिमिनरी था, प्राइमरी था, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट। तो ये हो गया आपका फ्लो शीट। अब इसमें अगर आप एक एक को मतलब डिटेल में देखोगे तो वो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर हमने प्रिलिमिनरी प्राइमरी ना यूज करके जो सीवेज ट्रीटमेंट में जो यूनिट ऑपरेशंस या प्रोसेसेस हैं, उनको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब फिजिकल में ऑब्वियसली मैकेनिकल मशीन्स का यूज होगा सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। केमिकल में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम कोई ना कोई केमिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्लोरीनेशन सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे केमिकल प्रोसेस का। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे अपने सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो फिजिकल में मशीन्स ऑब्वियसली यूज होंगी, केमिकल में केमिकल्स और बायोलॉजिकल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमारा जो है, ये भी हमारा एक तरीके से प्रोसेसेस हैं जो हम, या यूनिट ऑपरेशंस हैं जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करते हैं। अब अगर आप इसको यहाँ से एक बार रिलेट करोगे तो जो फिजिकल ऑपरेशंस हैं, तो आप स्क्रीनिंग देखोगे, अगर स्क्रीन देखा जाए, ग्रिड चेंबर देखा जाए और PST देखा जाए, तो यानी ये जो इनिशियल, प्रिलिमिनरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं वो आपके फिजिकल ऑपरेशंस के अंडर आते हैं। मतलब इसमें हम कोई ना कोई मैकेनिकल चीज का यूज करेंगे, मैकेनिकल टेक्निक का, अपने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। तो प्रिलिमिनरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो फिजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम केमिकल की बात करें तो ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट है, जिसमें हम डिसइंफेक्शन करा रहे हैं, तो ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट है ये आपका आता है केमिकल ट्रीटमेंट या केमिकल प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका आएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, बायोलॉजिकल रिएक्टर का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक फर्दर आपका इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही प्लांट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल को भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि प्रिलिमिनरी, प्राइमरी में स्क्रीन, ग्रेड, PST, SST, ये चार जो है वो फिजिकल के अंडर आएंगे, राइट। और इसके अलावा जो आपका बायोलॉजिकल रिएक्टर या सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, वो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आएगा। और लास्ट में जो टर्शरी ट्रीटमेंट होता है, जो डिसइंफेक्शन है, वो आपका आएगा केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे ये तीनों प्रोसेसेस आपको क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल ऑपरेशन या प्रोसेस की बात करेंगे। तो जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा था कि स्क्रीन्स, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हो, स्क्रीन, ग्रिड चेंबर, PST और SST, यहाँ पे अभी आपको फिलहाल ये चार दिख रहे हैं, ये आपके फिजिकल में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है आपका स्क्रीनिंग, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये चारों मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो स्क्रीनिंग के लिए जो इक्विपमेंट या यूनिट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीन्स। ये हमारे ऑपरेशंस हैं और ये हमारे यूनिट्स हैं जिनमें उन ऑपरेशंस को कराया जाएगा, या इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं। तो स्क्रीनिंग करानी है तो स्क्रीन्स का इस्तेमाल होगा। फ्लॉक्यूलेशन कराना है तो जो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे वो क्लैरी फ्लॉक्यूलेटर कहलाता है। सेडिमेंटेशन है तो ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक्स में होगा। फिल्ट्रेशन है तो स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर में इसको कराया जाता है, चारों प्रोसेसेस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और फिर आपका केमिकल में आएगा, तो केमिकल में मैंने पहले ही बता दिया आपका केमिकल्स का यूज होता है। और ये केमिकल प्रिसिपिटेशन, डिसइंफेक्शन, डीक्लोरिनेशन, एडसॉर्प्शन, ये चार मेजर प्रोसेसेस हैं। बट इसमें से जो हम यूज करते हैं, 99% जो हम यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, वो है आपका डिसइंफेक्शन का प्रोसेस। कहीं कहीं पर आपका डीक्लोरिनेशन भी कराया जाता है, अगर आपका क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा हो गया है तो डीक्लोरिनेशन होगा। अदरवाइज जो 99% आपका प्रोसेस यूज होगा वो होगा डिसइंफेक्शन का प्रोसेस, जिसमें क्लोरीन का हम यूज करते हैं
जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए, राइट। तो ये आपके केमिकल ऑपरेशंस हो गए चार। लास्ट में बायोलॉजिकल ऑपरेशंस आएगा। बायोलॉजिकल ऑपरेशंस में जैसे मैंने आपको बताया, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे अपनी सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें जो आपके प्रोसेसेस हैं या यूनिट्स कह लो, वो ये आपके पांच इंपॉर्टेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एरेटेड लगून, फैकल्टेटिव लगून्स और एनारोबिक लगून्स। अभी फिलहाल आप ये नाम याद रखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs में काफ़ी पूछे जाते हैं। नाम लिख करके दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, केमिकल है। तो ये नाम फिलहाल याद रखें, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप डेटा याद रखें। बाकी अभी उनकी डिटेल में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एक एक करके आपको सारे ऑपरेशन जो यूनिट जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो फिलहाल अभी आप अगर नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें मैं आपको सबसे पहले सेडिमेंटेशन के बारे में बताऊँगी, और सेडिमेंटेशन में भी स्पेसिफिकली मैं सेटलिंग टैंक की डिज़ाइन बताऊंगी, क्योंकि इसकी डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और कन्वेंशनल भी और MCQs भी आते हैं। इसमें आपको जो याद रखना है वो है डिज़ाइन का डेटा, राइट, और डिज़ाइनिंग स्टेप्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसमें हम पर्टिकुलरली सेटलिंग टैंक्स की बात करेंगे। तो तब तक आप जो मैंने आपको यहाँ पर फ्लोशीट दिखाई है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लें एक बारी, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सेटलिंग टैंक की डिज़ाइनिंग को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।